ज़्यादा जोर से धक्का दोगे तो वातावरण खराब होगा, आराम से रहोगे तो सब एंजॉय करेंगे, ठीक है ना। सारे घंटा ही आगे याद रखते है ना, इसी तरीके से सिर्फ जगह पे ऐसा ऐसा करना करो बस, नो पुशिंग, ओके। सुबह से यहाँ पे आए वो भी रविवार को, संडे को, सो थैंक यू आने के लिए। एंड 5th ईयर है, 5th एनिवर्सरी है और एक गैप के बाद मलाड मस्ती आ रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि इस बार मैं हिस्सा बन पाई। एंड थैंक्स टू असलम जी, उनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं। एंड हमेशा एक स्पेशल कॉज के लिए होता है, इस बार चाइल्ड अब्यूज़ के लिए है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी पब्लिक है और कुछ लोग यहाँ सुबह 5:30 बजे से आए हैं, तो ये एनर्जी देख के वो एक अच्छे कॉज के लिए, वो भी संडे को सुबह सुबह, बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर हैविंग अस एंड थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू। It was a pleasure, it was a privilege to be here, not because of my achievements or whatever, but because I was able to address such an enthusiastic crowd that we have back there. It's the most amazing crowd I've ever had in my life. I've been to a lot of events, but Malad Masti is on a different level. I think it's not only representing the enthusiasm of India, but I think it could just reach Asian level very soon. So yeah, my friend Shekhar is one of the organizers, and Aslam sir, I think he's doing incredible that he's always done. So yeah. जब लोग मलाड मस्ती आते हैं, मलाड मस्ती में जितने भी मलाड के लोग हैं और जितना भी यहाँ पे क्राउड आता है, उनमें एनर्जी बहुत होती है और बहुत मज़ा आता है सबके साथ इंटरेक्ट करने में। और इस बार इस इवेंट का जो सबसे मेन टॉपिक था वो है चाइल्ड अब्यूज़ को लेके, जो कि मैंने ख़त्म नहीं किया अभी। इट्स ओके। सो बहुत ही नोबल कॉज है असलम सर ने जो लिया है चाइल्ड अब्यूज़ को लेके, कि हम सबको यू नो चाइल्ड अब्यूज़ की अवेयरनेस को स्प्रेड करना चाहिए, नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज मैं यहाँ पर आया हूँ सबसे इंटरेक्ट। मैं पहली बात तो सक्सेस का सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि ये 5वां साल है मलाड मस्ती का और हम सब क्राउड देख सकते हैं कितना अच्छा क्राउड आया हुआ है, कितने अच्छे लोग आए हुए हैं और इतने नोबल कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट सक्सेस फॉर मलाड मस्ती एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड एंड असलम सर फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस। साथ ही लास्ट में हमने देखा आप दोनों का परफॉर्मेंस, वैसे ही जानना चाहिए कि कब आप दोनों एक साथ एक प्रोजेक्ट में दिखने वाले हो। बस आपकी बात जो है हो जाए सच, हम भी दिख जाएंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा एक साथ पर्दे पे दिख के एंड बहुत जल्दी। मेरे हिसाब से तो हमारा परफॉर्मेंस लास्ट वीक था, आज हम होस्ट करने हैं मलाड मस्ती और हम दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस अपॉर्चुनिटी को, हम दोनों को एक्सेप्ट करके बहुत अच्छा लग रहा है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। अभी आने बस करते हैं, अभी तो लास्ट टाइम से क्राउड आज कुछ ज़्यादा ही हाइप्ड है, बट यू नो एमवे बनता है ऑब्वियसली, बट उन्होंने पूरा हाइप कर दिया मामला, पूरा मलाड मचाएंगे तो सच में मचा दिया, बहुत अच्छे से मचाया। बट अभी और मज़ा आने वाला है बिकॉज रणवीर सिंह आर अबाउट टू कम एंड रोहित शेट्टी आर अबाउट टू कम, सो इट्स लाइक वी आर वेटिंग फॉर देम एंड वेरी एक्साइटेड। जिनकी भी ये जानना चाहेंगे जिस तरीके से ऑडियंस आज एमवे को देखते हैं, जिस तरीके से क्रेज था, आप लोग और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, हम अपनी चेयर से उछल उछल के मचाएंगे, डांस कर रहे थे, जाम कर रहे थे, बहुत मज़ा आया। एक्शन बाय हमारे असलम जी बहुत ख़ास भाई हैं, मेरे मेंटर हैं और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो आज का मुद्दा हम लोग आज आए हैं ये पिछले 5 साल से चल रहा है एंड इट्स बीन अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट। एज यू कैन सी के क्राउड जिस हिसाब से संडे मॉर्निंग उठ के आता है, इट शो गोज़ टू शो के हाउ मच दे लव दिस इवेंट। और चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में जो आज हमारा ये ड्राइव है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है जिसके बारे में हमारे यूथ कैन ओनली मेक द डिफरेंस, क्योंकि जो आने वाली हमारी जनरेशन है दैट इज़ आवर यूथ एंड दे आर द वंस हु आर गोइंग टू टेक द लेगेसी अहेड। जो भी हमने आज तक किया है, जो भी हमने हमारे देश को आज तक बनाया है, वो हमारी यूथ आगे लेगेसी लेके जाएगी। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई एम हियर टू सपोर्ट दैट।